आज बनाते हैं आलू गोभी की सब्जी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आई एम श्योर आपने आलू गोभी की सब्जी बहुत बार खाई होगी, बहुत बार बनाई भी होगी। मेरा बनाने का तरीका थोड़ा अलग है, तो एक बार आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 कप के करीब पानी बॉयल होने के लिए चढ़ाया है। पानी अच्छे से बॉयल हो जाए फिर इसमें 1/2 छोटे चम्मच जितना नमक डालेंगे। पानी बॉयल हो गया है तो इसमें 250 ग्राम गोभी डालेंगे। हमें गोभी को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस इसे ब्लांच करना है। 2 से 3 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पे इसे बॉयल करेंगे। गोभी ब्लांच हो गया है तो इसे एक अलग बोल में निकाल लेते हैं। अब एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो जाए फिर इस ब्लांच किए हुए गोभी को इसमें ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पे लगभग 4 से 5 मिनट तक रोस्ट करेंगे। गोभी को हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक इसके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। गोभी अच्छे से रोस्ट हो चुका है, इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। इस पैन में वापस से 1 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर इसमें 2 बड़े साइज का आलू डालेंगे। आलू का मैंने छिलका निकाल लिया है और इसे थोड़े बड़े चंक्स में कट कर लिया था। आलू ऐड करके इसे मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक रोस्ट करेंगे जब तक कि ये हल्की सी ब्राउन हो जाए। आलू भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है तो इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसके लिए एक मसाला रेडी कर लेते हैं। एक ब्लेंडर जार में 1 छोटे चम्मच जीरा लेंगे, 1 छोटे चम्मच धनिया, 1 हरी मिर्च, 8 से 10 लहसुन, 1 इंच अदरक और 1 छोटे साइज का प्याज। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक स्मूथ पेस्ट रेडी करेंगे। पेस्ट बिल्कुल रेडी है तो अब सब्जी बनाते हैं। एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाए फिर इसमें 1 बड़ी इलायची डालेंगे, 1 तेज पत्ता, 1 स्टार एनीस, 1 इंच दालचीनी, 1/2 इंच जावित्री। इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद इसमें 2 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को मीडियम फ्लेम पे लगभग 5 से 6 मिनट तक रोस्ट करेंगे जब तक कि वो हल्की ब्राउन सी दिखने लगे। प्याज अच्छे से रोस्ट हो चुका है तो इसमें 1/2 छोटे चम्मच हल्दी ऐड करेंगे और 1 से 1.5 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ जो हमने पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके मीडियम लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे। अगर आपको लगे कि मसाला पैन में चिपक रहा है तो इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। मसाला अच्छे से भुन चुका है तो इसमें 2 टमाटर ऐड करेंगे। इसी के साथ इसमें 1 छोटे चम्मच नमक ऐड करेंगे और इसे कवर करके कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक टमाटर बिल्कुल अच्छे से मशी हो जाए। टमाटर काफी हद तक पक चुका है पर अभी हमें इसे और कुक करना है। टमाटर और मसाले बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं तो आलू गोभी इसमें ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 से 1.5 कप गर्म पानी ऐड करेंगे। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको जैसी ग्रेवी चाहिए आप उतना ज़्यादा पानी ऐड करें। पानी ऐड करने के बाद नमक ज़रूर टेस्ट कर लें। हाई फ्लेम पे इसमें एक बार उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आ गया है तो फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे कवर करके कुक करेंगे लगभग 6 से 8 मिनट के लिए, या तब तक जब तक कि आलू और गोभी बिल्कुल अच्छे से पक जाए। आलू गोभी बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, सब्जी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है तो इसमें 2 बड़े चम्मच धनिया पत्ता डालेंगे और 1 छोटे चम्मच सौंफ पाउडर। इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और इसे सर्व करते हैं। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी आलू गोभी की सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है। आप ये सब्जी एक बार इस तरीके से ट्राई करें, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। ट्राई करने के बाद अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।